हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम आई केयर टिप्स देखेंगे कुछ कुछ, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम मुश्किल से तो स्किन केयर कर पाते हैं, तो आईज के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सिर्फ मेकअप करना या स्किन केयर करना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको कोई चेहरे पे प्रॉब्लम है, कोई दाग है या पिंपल है, तो आपका ध्यान जाता है उस पर कि हाँ इसे क्योर करना है, पर आपकी आईज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जस्ट बिकॉज उसमें कुछ खामियां नहीं दिख रही या कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दें। उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम डे टू डे लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा भी टाइम अगर निकाल लें और ये सारी चीज़ें फॉलो कर लें जो मैं बताने जा रही हूँ, तो ये आपकी आईज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग मोस्टली फ़ोन में बिज़ी रहते हैं या जो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ी थोड़ी देर में आईज़ ब्लिंक करते रहें इस तरह। इससे आप क्या होता है, जो आपकी आईज़ में जो नेचुरल वाटर है जो कि ड्राइनेस से रोकता है, वो बना रहता है और वो आपकी आईज़ क्लीन करता रहता है। क्योंकि अगर ड्राइनेस आएगी तो आपकी आईज़ के आसपास रेडनेस आएगी, मीन्स जो वाइट एरिया है आपकी आईज़ का, उसमें रेडनेस आएगी और आपको ईचिंग हो सकती है, आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जो थकान होती है, कई बार सर दर्द होता है, तो इस वजह से ही होता है। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में सिर्फ आंखें ब्लिंक करें, नॉर्मली ब्लिंक करें, देखिए इस तरह। सिर्फ ऐसे ब्लिंक करें, इस तरह भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ सिर्फ नॉर्मली ब्लिंक करें, ज़ोर से इस तरह प्रेस भी ना करें, क्योंकि हमें उसे डैमेज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली, ताकि आपकी आईज़ में वाटर बना रहे। एक मिनट ऐसा करिए और बस आपको डलनेस, रेडनेस या थकान महसूस नहीं होगी और आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी। और अगर हो सके थोड़ा और टाइम मिले तो एक और एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ ऐसा करना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, राइट लेफ्ट अप डाउन राइट लेफ्ट। इससे आपकी आईज़ का मूवमेंट होगा और आपकी आईज़ में ब्राइटनेस और उनकी जो आंखों की रोशनी कहते हैं, वो बहुत अच्छी होंगी, उससे आपको उससे हेल्प मिलेगी। और आप जब भी रात को सोएं तो मेकअप पूरा निकाल कर सोएं, इवन काजल भी रहता है तो भी निकालें। अगर आपका घर का बना हुआ काजल है और अगर आपके किसी ग्रैंड मॉम ने या आपकी मम्मा ने कहा है कि आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, तो वो अलग बात है। पर हाँ, अब जो आइकॉनिक है, मेबलिन है, जो मार्केट के जो काजल हैं, उन्हें लगा कर ना सोएं। पूरा आई मेकअप आपको निकालना ज़रूरी है, इवन जो हम ये मस्कारा लगाते हैं, इसे भी आपको पूरा रिमूव करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पूरा आई मेकअप रिमूव करके सोएं। वरना सुबह आप जब उठते हैं तो थोड़ी आँखें स्वेलिंग आती है, थोड़ी सूजी हुई आँखें दिखती हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप मेकअप लगा कर सो जाते हैं। रात भर में आपकी जो पूरी बॉडी पार्ट है वो अपने आप को रिपेयर करता है जब आप रेस्ट करते रहते हैं। तो आँखों के ऊपर अगर पूरा मेकअप है तो उसको बहुत मुश्किल होती है इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए आपकी आँखों में स्वेलिंग दिखती है। आपको मैंने दो एक्सरसाइज बताई, आप ये करिए और आप अपने हाथ रब करके इस तरह, जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह अपनी आँखों पर रख लें। इससे जो हीट है हाथों में, उससे आपकी आँखों को बहुत आराम मिलेगा। और आप कंप्यूटर पे सारा दिन काम कर रहे हैं तो आप उठकर जो है बार बार ठंडे पानी से मुंह धोएं। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, आपको जब भी ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो रही है, आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत हीट जा रही है, तो कोशिश करें हर 2 से 3 घंटे में जाकर फेस वॉश करें ठंडे पानी से, आँखों में इस तरह पानी डालें, हो सके तो इस ऐसे कर कर पानी इसमें लेकर कुछ देर ऐसे आँखों पे रखें। इससे आपको बहुत रिलैक्स में होगा और बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने खुद ये फॉलो किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप बस 2 से 3 बार इस तरह थोड़ी देर रखें, जब तक आपको वो पानी की कूलनेस फील हो रही है आँखों में,
तब तक करिए, और सुबह उठकर खाली पेट में मुंह में ठंडा पानी भर के इस तरह, और ठंडे पानी से आँखें धोएं, मुंह में पानी भर के इस तरह आप ठंडे पानी से आँखें धोएं, इससे आपकी आँखों की रोशनी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है या आँखों की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इसे फॉलो करिए। ये एक तरह का योगा है तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। प्लीज़ ये सारे टिप्स में से सारी नहीं तो कुछ भी फॉलो करिए तो आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेंगी, ये बहुत आपको रिज़ल्ट दिखेगा अगर आप इस पे इसे आप रूटीन में ले आएँ और रेगुलरली करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।